अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर शाहिद नदीम, प्रेसिडेंट एडवाइज एजुकेशनल एडवाइजर्स पाकिस्तान एंड डायरेक्टर ऑफ रॉयल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी बिश्केक किर्गिस्तान। आज की ये वीडियो मेरी उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हुआ गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद वो सब बच्चे जो पीएमसी की जब पीएमसी ने किर्गिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया या डिफरेंट कंट्रीज की कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया, उसके बाद ग्रीन लिस्ट किया और उसके बाद अपडेट करके उन्होंने जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ए लिस्ट, बी लिस्ट या सी लिस्ट में डाला है। तो मैं आप सबको ये बताता चलूं कि आप चाहे ए लिस्ट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, चाहे बी लिस्ट में ले लें, चाहे सी लिस्ट में ले लें, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। पीएमसी ने कहा है कि जैसे जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी इंटरनेशनल अक्रेडिटेशंस को फुलफिल करती जाएगी, अपनी इंटरनेशनल अक्रेडिटेशंस लेती जाएगी, तो वो यूनिवर्सिटी सी से बी में और बी वाली ए में हम ऑटोमेटिकली अपडेट करते जाएंगे। सो इस टाइम किर्गिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज ए लिस्ट के अंदर हैं और इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज बी के अंदर है और कुछ यूनिवर्सिटीज सी लिस्ट के अंदर है। सो ए लिस्ट वालों को थोड़ा सा इसके अंदर रिलैक्सेशन जरूर है। इसके अलावा चाहे कोई यूनिवर्सिटी बी के अंदर है या सी के अंदर है, उसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। बी लिस्ट वालों ने बाद में जाके हाउस जॉब करनी है और सी लिस्ट वालों ने पहले करनी है। टेन्योर बी और सी का बिल्कुल सेम है, टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है। सो पीएमसी ने अपना एक जो एक क्राइटेरिया दिया है, अब सारी यूनिवर्सिटीज उसके ऊपर काम करते हुए अपने अपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने की कोशिश कर रही हैं और अपनी अपनी इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन किर्गिस्तान की सब यूनिवर्सिटीज ने अप्लाई की हुई है। इसी तरह जैसा कि बाकी यूनिवर्सिटीज अपना काम कर रही हैं, सेम इसी वजह से रॉयल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अपनी इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन के ऊपर काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पीएमसी की तरफ से अप्रूव्ड है और हम ऑलरेडी सी लिस्ट के अंदर और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी अक्रेडिटेशन लेके हम सी से अपनी यूनिवर्सिटी को एक अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो जितने भी बच्चे पाकिस्तान में इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपके पास एक गोल्डन चांस है। सिर्फ $1500 हमारी जो है यूएस डॉलर्स वो फीस है। मार्च इनटेक है, हमारे पास एडमिशंस ओपन है, लिमिटेड सीट्स हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर हम एडमिशंस दे रहे हैं। मिनिमम 60% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। तो इस बेस के ऊपर रॉयल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको वेलकम करेगी और अभी हमारे पास अभी तक आज की डेट तक हमारे पास मोर देन 100 एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं ऑलरेडी। जितने भी बच्चे पाकिस्तान में जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, इस हमारे पास इस सेशन की 100 सीट्स तकरीबन 100 स्लॉट्स हमारे पास और अवेलेबल हैं। तो जितने भी बच्चे मेरी ये वीडियो देखें, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, खा वो लड़कियाँ हैं खा वो बच्चे हैं लड़के हैं, हम आपको रॉयल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी में वेलकम करते हैं। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि रॉयल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी बिश्केक के सेंटर में वाकया है, हमारा अपना सेपरेट हॉस्पिटल है। हम पाकिस्तानी 3 टाइम हलाल खाना देते हैं। आप हमारा हॉस्टल विजिट करें, आप हमारा हॉस्टल आके। इसके अलावा मैं जितने भी पेरेंट्स की वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँ कि अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करेगी, यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा देगी, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आएँ, हमारी यूनिवर्सिटी विजिट करें, हमारे सेटअप को विजिट करें और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक अच्छे ऑप्शन का इंतखाब करें। सो मैं आपको रॉयल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास मार्च इनटेक के लिए चंद ही सीट्स हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें और अपना एज सून एज पॉसिबल अपना जो कैरियर है उसे सिक्योर करें। थैंक यू।